चैलेंज कर चुके हैं, पाकिस्तान की सॉवरेंटी को चैलेंज कर चुके हैं। पाकिस्तान के ऑक्युपाइड रीजन बलूचिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक की है बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने। ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है आवरान डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर 8 पाकिस्तानी पर्सनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं। यूरोपियन कंपनी जो कि अफगानिस्तान विजिट करने गई, एक बड़े स्केल पर उसने विजिट किया और आम पब्लिक से पूछा कि आपका दोस्त कौन सा मुल्क है, तो उनका कहना था कि इंडिया। बहुत से मुल्कों में से इंडिया का नाम पॉइंट आउट किया गया, इंडिया है ही नाम लिया जा रहा है, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं? कि वो लोग बिकते नहीं है, झुकते नहीं है, उनकी आउटडोर कम्युनिटी स्ट्रांग है, लाइक फौज स्ट्रांग है, उनकी हुकूमत स्ट्रांग है, जिसके बुनियाद पे वो आपके जो बलोच फाइटर्स हैं उनकी फैमिलीज कंधार में है। दिस इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। आपके जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका नाम TTP है, लेकिन उसका पूरा का पूरा बेस अफगानिस्तान के अंदर है, ट्राइबल एरियाज। वो लोग नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन। मोस्टली जो अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान की वजह से है। वो सुन लिया लोगों ने, अब आप सवारे ना मुल्क को कंपनी। तो दोस्तों आपने ये छोटी सी क्लिप देखी, यहाँ पर बात हो रही है अफगानिस्तान में एक सर्वे को लेकर। मैंने बहुत साल पहले, मतलब 2018 की बात कर रहा हूँ, तब भी एक वीडियो अपलोड किया था, उस टाइम पे भी एक सर्वे हुआ था जिसमें अफगानिस्तान के जो कॉमन लोग हैं उन्होंने सर्वे में पार्टिसिपेट करते हुए क्लियर बोल दिया था कि भारत उनका सबसे अच्छा दोस्त है। अगर आप जाके सर्च करें तो भारत की सबसे जो अच्छी मित्र कंट्री हैं उसमें अफगानिस्तान, इज़राइल और इस तरीके के आपको कई नाम मिलेंगे, तो आप देख सकते हैं जाकर, तो चेक करिए आपको। और ये फिर एक बार सर्वे हुआ है और दौर है तालिबान का, लेकिन सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों ने भारत को फिर से सर्वश्रेष्ठ माना है, पाकिस्तान को वहीं सबसे नेगेटिव माना है। आप समझ सकते हो कॉमन पीपल की सोच क्या है। इस बारे में लास्ट में करते हैं बात। इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि पाकिस्तान में ऑब्वियसली तहरीक तालिबान पाकिस्तान TDP का तहलका है और बलूचिस्तान में बलूच क्रांतिकारियों ने बैंड बजाई हुई है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं। जो कि अफगानिस्तान विजिट करने गई, एक बड़े स्केल पर उसने विजिट किया और आम पब्लिक से पूछा कि आपका दोस्त कौन सा मुल्क है, तो उनका कहना था कि इंडिया। बहुत से मुल्कों में से इंडिया का नाम पॉइंट आउट किया गया, फिर इंटरनेशनल लेवल पर यह बात हुई, उसमें भी इंडिया का नाम ज़्यादा पीक पर आया, पॉइंट आउट किया गया। पाकिस्तान का नाम कहाँ पर है, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया जाता? मुस्लिम कंट्री जो कि दूसरी है वो भी इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुक बनाने में लगी है। यूरोपियन कंपनी ने अफगानिस्तान में एक बड़े लेवल पर, बड़े स्केल पर विजिट किया और उन्होंने आम पब्लिक से पूछा कि आपका सारे मुल्कों में से दोस्त कौन है, तो उन सबका कहना था कि इंडिया हमारा दोस्त है। और फिर इंटरनेशनल लेवल पर जब बात हुई, उन्होंने से पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा कि इंडिया हमारा दोस्त है। आपके समझते हैं सिर्फ इंडिया है ही नाम लिया जा रहा है, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं? जैसे कि मैं समझता हूँ इंडिया पूरी मार्केट के अंदर एक अपना ग्रिप रखता है मार्केट के अंदर, उसकी वजह ये है कि वो लोग बिकते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, उनकी आउटडोर कम्युनिटी स्ट्रांग है, लाइक फौज स्ट्रांग है, उनकी हुकूमत स्ट्रांग है, जिसके बुनियाद पे वो लोग खुद खुददार फैसले खुद करना जानते हैं, इसलिए इंडिया को प्रायोरिटी में रखा जाता है। वो बिजनेस करना जानते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर आप देखें, सबसे पहले तो हम अपनी हुकूमत को नहीं संभाल पा रहे, तो हम किसी के साथ रिलेशन कैसे डेवलप करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर हम हिस्ट्री में देखें तो पाकिस्तान को जितने भी अफगानिस्तान के लोग हैं वो अपने अगेंस्ट ही समझते हैं। वो इस बेसिस पे कि उनके ख्याल में ये है कि जो परवेज मुशर्रफ ने उनके साथ ठीक नहीं किया था, और मतलब जो मोस्टली जो अफगानिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान की वजह से हैं, जिसकी वजह से जो है वो अगेंस्ट तो वैसे ही पाकिस्तान के हो गए। उन्होंने ना बिजनेस में लोगों को मदद दी है, जो बाहर से इन्वेस्टर आता है ना उसके लिए उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए हैं कि वो उधर स्टेबल रह के अच्छा बिजनेस अपना रन कर सकता है, और जो कि पाकिस्तान में वो चीज़ नहीं है। इसलिए सब इंडिया इंडिया करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज। और दूसरा, उधर जो लेबर है, लेबर बहुत सस्ती है, ठीक है, तो वो इसलिए भी इंडिया का इंतखाब करते हैं। टैक्सेस में बचत है, वो सब्सिडीज देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान को इंडिया या दूसरे इंटरनेशनल लेवल तक जाने के लिए कितना टाइम चाहिए? मैं ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान को कभी भी इंडिया के साथ मिलाया जाए। पाकिस्तान एक और मुल्क है, उसका एक और तरह के हालात हैं, लोग हैं, लोगों के सोच। स्टूडेंट हो के आपका माइंड क्यों है दुश्मनी वाला? नहीं नहीं, दुश्मनी वाला अल्लाह माफी दे, हम तो यही है ना कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इसलिए हम इंडिया के लोगों को पाकिस्तान से कंपेयर करना छोड़ दें। इंडिया में तो कितने मुसलमान हैं? नहीं, मुसलमान हैं, लेकिन कंपेयर क्यों करते हैं? क्योंकि उधर हिंदुइज्म है, वो अपने कल्चर के मुताबिक रहते हैं। ठीक है, हमारे कल्चर में थोड़ी सी चीजें एक दूसरे के साथ बहुत हद तक, इवन हम उनकी मूवीज भी पूरी कॉपी करते हैं। मुस्लिम्स हैं, लेकिन वी आर मुस्लिम्स और वो हिंदू हैं, ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फर्क है। लेकिन हमारी कितनी मेजोरिटी जो कम्युनिटी है मुस्लिम्स की, वहाँ पे भी तो रहती है ना।
हाँ रहती है, लेकिन उनकी हैबिट्स और है, हमारा जो कंट्री है, हमारे लोग है, हमारी हैबिट्स और है। पाकिस्तान के ऑक्युपाइड रीजन बलूचिस्तान में एक सर्जिकल स्ट्राइक की है बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने। ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है आवरान डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर 8 पाकिस्तानी पर्सनल सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं, जिसमें एक ऑफिसर भी है। ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे और इसकी फर्दर डिटेल्स अभी कहीं अवेलेबल नहीं है। हाँ, इसी के साथ ये बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने बोला है कि हम ऐसे अभी और सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकते हैं। इस खबर पर अब तक बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स की कोई प्रेस रिलीज भी नहीं आई है, प्रोबेबली कल आएगी, तभी इसकी डिटेल ज्यादा पता लगेंगी। अभी जो पता लगा है उस हिसाब से उन्होंने एक पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय को हिट किया है, ऐसा पता लग रहा है अभी, क्योंकि ये खबर मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही है। एग्जैक्ट जो बलूचिस्तान फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने अभी तक ये खबर नहीं दी जिन्होंने ये ऑपरेशन किया है। जैसे ही उनकी डिटेल्स आएंगी जिन्होंने ऑपरेशन किया है वो शायद कब तक आए तब पता लगेगा बाकी डिटेल्स क्या है। उन्होंने ये बोला क्योंकि ये हमारे हमारे एरिया में घुसे हुए थे और हमारे एरिया में घुस करके ऑपरेशन कर रहे थे, इस वजह से हमने उनके ऊपर स्ट्राइक किए। कहा जाता है कि वो टीटीपी वाले आते हैं और आके यहाँ पर जो है हमारी फोर्सेस के साथ लड़ते हैं और उसके बाद वो वापस भाग के अफगानिस्तान चले जाते हैं, क्या ये पॉसिबल है मेजर साहब? किस तरह से हो? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? उनको, सिर्फ उनको नहीं, आपके जो बलोच फाइटर्स हैं उनकी फैमिलीज कंधार में है, दिस इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। आपके जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका नाम टीटीपी है लेकिन उसका पूरा का पूरा बेस अफगानिस्तान के अंदर है, ट्राइबल एरियाज। वो लोग नहीं मानते ड्यूरेंट लाइन, वो लोग जाते हैं, उनको शह अफगान तालिबान की। अफगान तालिबान देखिए, अफगान तालिबान जब पावर में आए सबसे पहले किसको छुड़ाया था उन्होंने जेल से? टीटीपी वालों को छुड़ाया था ना जेल से, तो वो है वहां पे। अगर आप पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनाने की सलाहियत नहीं रखते, आप सुकून पंजाब में लाने की सलाहियत नहीं रखते, तो टीटीपी को किस तरह डील करेंगे आप? वो तो बहुत दूर है भाई, टीटीपी तो बहुत दूर है, डॉलर आपके कंट्रोल से बाहर है इस वक्त। टीटीपी वालों को जब इन्होंने पता लगा कि लगा इनको फाइनेंशियल इनको क्राइसिस में है, उन्होंने कोयले का रेट डबल कर दिया अपना। और आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, 227 रुपए का डॉलर होने की सबसे एक मेन रीजन ये भी है कि यहां से डॉलर सारा स्मगल होकर सारा अफगानिस्तान जा रहा है। और दूसरा कि आपने सिर्फ अफगानिस्तान को हमेशा रुपए डॉलर की नजर से देखा है, गंदम स्मगल आप वहां करते हैं, चीनी स्मगल आप वहां करते हैं, हर चीज। जब भी पाकिस्तान में किसी चीज की शॉर्टेज हुई है मैं हमेशा ये सोचता हूं कि आपको अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। तो जब आप कि एक अमेरिकन जो है वो हमारे पाकिस्तान में आई डीजी खान में एक फोर्ट वो देखने गई और वहां पे जो गाइड थे उन्होंने उनको उनके साथ रेप कर दिया और उनको हिस्से बजा में रखा और एक जैसे कहते हैं ना मुआशरे की जो इतनी गंदी शक्ल, ये कैसे हो सकती है कि हम इस मजहब इस्लाम के भी मानने वाले हों, दर्स हम बहुत बड़े बड़े दें लेकिन अगर देखें कि आपका जो सोशल लेवल है अगर आप वो देखें तो आपको पता चलता है कि आप जो अपने मेहमान हैं उनको भी माफ नहीं करते, ख़वातीन जिनकी तो प्रोटेक्शन ज़्यादा करनी चाहिए। तो ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? और वो भी एक अमेरिकन खातून जो कि हमारी मेहमान थी, कोई भी मेहमान कहीं से भी होता बेशक इंटरनल ही होता, तो ये जो मुआशरे की डायरेक्शन है आप क्या समझते? 21 साल की वो खातून जो है अरबेला, एक तो देखें कि इतनी छोटी एज में आप एक ऐसे मुल्क में जा रही हैं और आप खुद टिकटॉकर हैं, आप खुद जो वो बना रही हैं जो आप सोशल मीडिया से अटैच हैं, कोई रिसर्च करके जाए वहां पे, वहां पे तो पाकिस्तानी खवातीन सेफ नहीं है, वहां पे तो बच्चे सेफ नहीं है। कसूर में आप देख लें जिस तरह जो हालतें होती रही हैं आज तक वहां पे, और अभी वो नूर मुकदम का अभी जो जिसका फैसला हो चुका वो भी बंदा भी जिंदा फिरता है। ये तो सोसाइटी जिस जगह पे वो गई है इनको जाते दफा देख के जाना था, वहां क्राइम रेट क्या है, वहां की जुडिशरी क्या कर रही है, पुलिस वहां प्रोटेक्शन देने से दे सकती है कि नहीं दे सकती। मैं बिल्कुल एक तो एंगल ये है जिस तरह, खैर मैं वो हरकत नहीं करना चाहता जिस तरह वो हमारे SSP साहब ने फरमाया था लाहौर में मोटरवे के रेप में कि ये खातून आधी रात को गई क्यों थी, एक तो एंगल वो है। दूसरा एंगल ये है कि हाँ क्राइम तो हर जगह पे हो रहा है, क्राइम तो अमेरिका के अंदर भी हो रहा है, यहाँ पे भी लोग जो है प्रेडेटर मौजूद है जो कि बच्चियों के साथ इस तरह करते हैं, लेकिन वहां अमर बिल मारूफ नहीं होता। अमेरिका के अंदर
अमर बिन मारूफ नहीं है, रियासत मदीना की बुनियादें नहीं रखी जा रही अमरीका के अंदर। यहाँ पे तो सोसाइटी खुली सोसाइटी, लोग जिस तरह की मिनी स्कर्टें पहन के यहाँ फिर रही है, किसी को कोई एतराज नहीं। वहां पे आपने जब हमारा कहा जाता। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। इस वीडियो में आपने देखा पाकिस्तान को एक चीज़ का बहुत बुरा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान के जो कॉमन लोग हैं वो बार बार शर्वे होता है और अफ़गानिस्तान के लोग पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर करते हैं, और वहाँ के कॉमन लोग ये समझते हैं कि जो अफ़गानिस्तान की बर्बादी का मेन रीज़न है वो पाकिस्तान है। अभी आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, अफ़गान भाईजान जिनका अभी अभी देहांत हुआ है, वो शायद अफ़गानिस्तान के पहले यूट्यूबर थे जिन्होंने उस तरीके के वीडियो, मतलब पहले तो मुझे नहीं पता है लेकिन पहले थे जो काफ़ी वायरल हुए थे, उनकी जो क्लिप्स थी वो इंडियन मीडिया पर भी चली थी। आपको याद होगा बहुत, मतलब ये 2016 से वो वायरल थे, अभी उनका देहांत हुआ है, वो कैंसर से पीड़ित थे फिर भी, लेकिन उन्होंने लास्ट तक वीडियो बनाया। अब शायद पठान भाई हैं वो भी, उनका चैनल उनके पास है और वो बताते रहते हैं आपको अगर आपने उनको फॉलो किया है। तो अफगानिस्तान के लोग क्लियरली भारत को सबसे, मतलब लेटेस्ट सर्वे आपने देखा, लेटेस्ट सर्वे में भारत को सर्वश्रेष्ठ माना है और पाकिस्तान को ही सबसे बड़ा दुश्मन माना है, क्योंकि पाकिस्तान ही अफगानिस्तान की बर्बादी का कारण है। तो आप समझ सकते हो वहाँ के लोगों के अंदर क्या मानसिकता है। रही बात पाकिस्तान के इलाकों की, तो बलूचिस्तान जो ईरान और अफगानिस्तान से लगता है, वहाँ पर बलूच क्रांतिकारी तबाही मचाए हुए हैं। पाकिस्तान का जो मेन हिस्सा है, सबसे जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है पंजाब, वहाँ पर आप हालात देखें, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान, तालिबान ऑब्वियसली तालिबान को जो सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, अब तालिबान का जो, मतलब इन्फेक्ट क्या बोलूँ मैं, इन्फेक्शन है जो वो पाकिस्तान में भी फैलना शुरू हो गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया, आर्मी पब्लिक स्कूल में जो बच्चे मरे थे उसकी जवाबदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली थी। तो इस तरीके की घटनाएं आपको होंगी क्योंकि आपने ही ऐसा वायरस फैलाया है, तो उस वायरस से आपको ऑब्वियसली कभी ना कभी वायरस आपको भी लग गया। आपको क्या लगता है दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद, प्लीज़।